चाणक्य आई एस अकेडमी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे एन पर जिसमें इंडिया को भारत करने की सिफारिश की गई है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की किताबों में जल्द ही इंडिया की जगह भारत लिखा नजर आ सकता है दरअसल एन अपने सिलेबस में नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव कर रहा है इसके लिए 19 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई गई है इस कमेटी ने ही देश का नाम इंडिया के बजाय भारत लिखने का सुझाव दिया है साथ ही सिलेबस से प्राचीन इतिहास को हटाकर क्लासिकल हिस्ट्री को और हिंदू योद्धाओं की जीत की कहानियों को शामिल करने की सिफारिश की गई है कमेटी के अध्यक्ष सीआई आई ने 25 अक्टूबर को बताया है कि भारत का जिक्र विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में भी है जो सात साल पुराने हैं इंडिया नाम आमतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी और 1757 के प्लासी युद्ध के बाद इस्तेमाल होना शुरू हुआ है ऐसे में देश के लिए भारत नाम का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए सिलेबस में क्लासिकल हिस्ट्री को शामिल करने के पीछे तर्क भी दिया गया है आइजेक ने एनसीईआरटी के सिलेबस में क्लासिकल हिस्ट्री शामिल करने के पीछे तर्क दिया है कि अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक में बांट दिया है प्राचीन इतिहास बताता है कि देश अंधेरे में था उसमें वैज्ञानिक जागरूकता नहीं थी हमारा सुझाव है कि बच्चों को मध्यकाल और आधुनिक इतिहास के साथ-साथ क्लासिकल साथ हिस्ट्री भी पढ़ाई जानी चाहिए इसके लिए जो समिति बनाई गई है उसमें सीआईई इसाक इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के सदस्य हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एनसीईआरटी अपने पाठ्यक्रम में बदलाव कर रही है इस 19 सदस्यीय समिति में आईसीएचआर के चेयरपर्सन राघवेंद्र तवर जेएनयू के प्रोफेसर वंदना मिश्रा, डेक्कन कॉलेज डिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वसंत शिंदे और हरियाणा सरकार के स्कूल में सोशियोलॉजी पढ़ाने वाली ममता यादव शामिल हैं समिति के अध्यक्ष सीआई इसाक ने ये भी बताया है कि एनसीईआरटी पैनल ने सभी विषयों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करने की सिफारिश की है अब हम बात करेंगे इंडिया बनाम भारत के बारे में एनसीआरटी की किताबों का एक नया दस्ता जारी हो सकता है अगर ये सिफारिशें मंजूर हो जाती हैं नई किताबों में बच्चे अब इंडिया नहीं बल्कि भारत पढ़ेंगे ऐसी संभावनाएं हैं भारत बनाम इंडिया पर चर्चा की शुरुआत तब हुई जब केंद्र ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित जी ट्वेंटी रात्रि भोज के निमंत्रण को प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेजिडेंट ऑफ भारत के नाम से भेज दिया जिससे राजनीतिक विवाद शुरू हो गया सितंबर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में लीडर्स शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे तब उनकी नेम प्लेट पर भी भारत प्रदर्शित किया गया था संविधान के अनुच्छेद एक में हमारे देश का नाम इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा परिभाषित किया गया है इसके साथ ही आज का यह विषय यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ आप हमारे YouTube चैनल को